स्टार प्लस का ये पॉपुलर शो नहीं होगा ऑफ एयर। तो आखिर क्या इस शो का बदल जाएगी टाइमिंग, आखिर किस नए टाइम स्लॉट पे ये शो को शिफ्ट किया जाएगा और क्या कुछ होने वाला है स्टार प्लस के चैनल पे मेजर बदलाव, तो इस वीडियो को आप पूरे एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों अगर आप भी उल्का गुप्ता के शो को देखते हो, बनी चो होम डिलीवरी या फिर इस शो के फैन हो, तो आपके लिए है गुड न्यूज़, क्योंकि फिलहाल स्टार प्लस के इस शो को जो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शो का ऑफ एयर होना नक्की हो गया है, लेकिन ऐसा अभी नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि शो में अभी भी डेंजर बना हुआ है, क्योंकि जैसा कि स्टार प्लस ने इस शो को लेके एक बड़ा खेल कर दिया है, स्टार प्लस के उल्का गुप्ता के शो के साथ अब टाइम स्लॉट में बदलाव देखने को मिलेगा। जो ये शो रात 9 बजे आया करता था, अब शाम 6:30 बजे देखने को मिलेगा, जिसके चलते एक बड़ा बदलाव हो सकता है और प्राइम टाइम स्लॉट से हटने के बाद हो सकता है कि आने वाले दिनों में उल्का गुप्ता बनी चो होम डिलीवरी ऑफ एयर भी हो जाए। क्योंकि अब तक ये देखा गया है जिन भी शो को अर्ली टाइम स्लॉट पर शिफ्ट किया गया है, वहाँ से 1.2 या फिर 1.5 की टीआरपी आना बेहद मुश्किल होता है। और ऐसे में स्टार प्लस के कई सारे शो ऑफ एयर भी हुए हैं, जिसका रिसेंटली उदाहरण है साथ निभाना साथिया का नया सीजन। ऐसे में उल्का गुप्ता के शो को लेकर भी अगर आप उनके फैन हैं तो आपके लिए है एक गुड न्यूज़ के साथ साथ एक ऐसी बड़ी मेजर अपडेट भी है जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए, और साथ ही साथ आपको इस शो को सपोर्ट करना होगा। अगर आपका सपोर्ट कम होता है तो आने वाले दिनों में स्टार प्लस आनंदी बा और एमली के साथ साथ इस शो को भी कर देगा ऑफ एयर। अब आपका ओपिनियन मैं जानना चाहूँगा इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्या बन्नी चो होम डिलीवरी ये शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए, या फिर इस शो के जो टाइम स्लॉट में चेंज किया गया है वो सबसे बड़ी गलती है। मेकर्स को क्या लगता है, आपको फालतू शो को रिप्लेस करने के लिए किसी और टाइम स्लॉट को चुनना चाहिए था, या आपको लगता है कि जी देखिए अगर 9 बजे के टाइम स्लॉट पे अगर अच्छा शो रहा तो इस शो की टीआरपी ज़रूर आएगी, या आपको लगता है कि नहीं ये खतरे की घंटी, अगर ऐसा किया गया तो मेकर्स इस शो को खो देंगे और शो धीरे धीरे ऑफ एयर की कगार पर बढ़ जाएगा। आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।